सो वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। और आज मेरी व्लॉग का थीम है वीरे दी वेडिंग, जो मेरे आज सबसे अच्छे और सबसे प्यारे बेस्ट बडी का ब्याह होने जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मैं निकल चुका हूँ उस डेस्टिनेशन पे जहाँ पे है मेरे वीरे का घर, बट मैं थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि जाम बहुत ज़्यादा था और मुझे निकलना था नॉर्थ दिल्ली की तरफ, जो कि है शास्त्री नगर। और शास्त्री नगर पहुंचने के बाद मैं सीधा पहुंचा अपने जेरी भाई के घर, जहां मैं मेरा रहते का उनकी बहन और उनकी बड़ी बहन अलका दीदी से। फिर उसके बाद शुरू हुई यहां पे तैयारियां पूजा की, जो कि है हल्दी, जहां घर के सारे रिश्तेदार तैयारी करने में लगे थे। और आप अब देख सकते हैं कि यहां पे दिखे हमारे दूल्हे राजा मस्ती काटते हुए। और यहां से शुरू होती है पूरी रस्म बांग तेल की और मेहंदी की, जिसमें कि घर की सारी बहुएं भाभियां रस्म को पूरा करती हैं। देन उसके बाद शुरुआत होती है हल्दी की रस्म की, जिसमें कि मेरा दोस्त बिल्कुल तैयार है। पर जब इस पूजा के पूरे होने के बाद जो कुछ भी होने वाला है ना, आपको देख के ना बहुत 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 मज़ा आने वाला है, क्योंकि फाइनली सबने पूजा को कंप्लीट कर लिया है। और स्पेशली हमारी ये थाई जी बहुत स्वीट है, क्योंकि ये हर बार मुझे टोकती है कि भैया हमें भी अपनी वीडियो या ब्लॉग्स में लेना शुरू करो। और फिर हमारे दूल्हे राजा को पूरी हल्दी में नहलाया जाता है अच्छे से, ताकि शादी वाले दिन सुंदर, सुशील और हैंडसम लगे मेरा वीरा। फिर वीरे को हैंडसम बनाने के बाद देखिए हुआ क्या, लिटरली भाई इतना मजा आया। और इन्होंने हल्दी के साथ होली खेली, और आप देख सकते हैं कि पूरे परिवार वाले खुशी से झूम के एक दूसरे को होली की तरह हल्दी का लेप लगा रहे थे। देन उसके बाद अलका दीदी और रुचि बहन ने हल्दी लगाई, और उसके बाद हैरी भाई, और उसके बाद मैंने। और फिर आप देख सकते हो कि हल्दी की रस्म पूरी होने के बाद बाकी सब रिश्तेदारों ने पूजा को पूरा किया। फिर पूजा कंप्लीट होने के बाद आप देखिए हमारे दूल्हे राजा जेरी भाई, जिसमें कि आप देख सकते हो कि बहुत ही प्यारे से लग रहे हैं, एकदम क्यूटी बॉय। और फिर नेक्स्ट डे मैं निकल चुका हूँ लड़की वालों के यहाँ, जो कि है कामाक्षी का घर, हमारी फ्रेंड। हालांकि दूल्हे के यहाँ से लेट निकलने के बावजूद मैं टाइमली पहुंचा कामाक्षी के घर, जो कि ऑलरेडी तैयार थी अपनी हल्दी की रस्म के लिए, जहाँ पे सबके सब मौजूद थे, उनके परिवार वाले, उनके रिश्तेदार, एवरीवन वाज सो एक्साइटेड एट दैट टाइम। और गाइस, आप सब सोच रहे होंगे कि मेरी वाइफ किधर है। जी देखिए, वो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद थी। देन उसके बाद शुरुआत हुई हल्दी की रस्म की। फिर कुछ देर के बाद हल्दी की रस्म को पूरा किया गया, और फिर उसके बाद बारी आई हमारे सारे फैमिली मेंबर्स की, जिन्होंने हमारी ब्रदर की दुल्हनिया को हल्दी लगाई। देन हल्दी की रस्म को सिंपली तरीके से पूरा करने के बाद शुरू हुई मस्ती और फन। और फन का मतलब तो आप समझ सकते हैं कि इसमें आते हैं राहुल, दिशांत, और स्पेशली दिशांत तो बेचारा हल्दी लगाने से बचने के खूब तरीके ढूंढ रहा था। बट यार, राहुल भाई ने तो बहुत ही प्यार से हल्दी लगवाई, और इसी बीच हमने दिशांत को धर लिया, और कामाक्षी ने तो पूरा का पूरा मुंह उसका सन सा दिया हल्दी के बीच में, और सच में हमें बहुत बहुत मजा आया था। तो कामाक्षी के घर से निकलने के बाद हम गए तैयार होने के लिए, और यहाँ फाइनली हम लोग तैयार हो चुके हैं और निकल चुके हैं बारात के लिए। और आते ही हमने देखा कि हमारे जेरी भाई, हमारे दूल्हे राजा तैयार हो रखे थे और एक्साइटेड भी थे। और उसके बाद शुरू हुई सेरा बंदी, और सेरा बंदी के बाद हुई घुड़ चढ़ाई, और आप देख सकते हो कि कितना एक्साइटेड है हमारे दूल्हे राजा। और बारात के साथ मेरी वाइफ भी बहुत एक्साइटेड थी। और उसके बाद हम निकल चुके हैं बारात को लेके सीधा वेन्यू की तरफ, और वेन्यू में आते ही हमने देखा कि दिशांत जी, राहुल जी और जतिन ने हमें वहां ज्वाइन किया, और फिर मैंने भी दूल्हे राजा के साथ थोड़ा सा एंजॉय किया। देन उसके बाद हुई हमारी एंट्री, जहां पे एंट्री के टाइम पे सालियों ने खूब बटोरे पैसे और लड़के वालों को किया स्वागत। दूल्हे राजा की शानदार एंट्री के बाद फिर एंट्री हुई हमारी दुल्हनिया कामाक्षी जी की, जो की बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्रिटी। और मैं अपने बांके बिहारी जी से यही दुआ करूंगा कि इन दोनों की जोड़ी सलामत रहे, खुश रहे, हमारा प्यार और हमारा आशीर्वाद इन दोनों के साथ हमेशा बना रहेगा। और यहाँ मेरा खत्म हुआ व्लॉग, और ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए।